ब्रांड, मैं सुमलता स्वामी अनएकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर हूँ। इस कोर्स में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को पढ़ रहे थे, आगे भी हम राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे अनएकेडमी पर फॉलो करें, और अगर आपको यह कोर्स पसंद आ रहा है तो रेटिंग देकर मुझे अवगत कराएं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, पश्चिमी रेतीला मैदान, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इस तरह से 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। पश्चिमी रेतीले मैदान को हमने डिटेल से पढ़ा, उसके बाद हमने पिछले लेसन में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को पढ़ना स्टार्ट किया। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश राजस्थान के 9% क्षेत्र में फैला है और राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अरावली का सामान्य परिचय हमने डिटेल पूर्वक पढ़ा। प्राचीन काल में अरावली को किन नामों से जाना जाता था हमने देखा, अरावली का विस्तार इत्यादि को हमने डिटेल से देखा। अब हम इस लेसन में अरावली के प्रमुख दर्रे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दर्रे कहते किसको हैं? तो दो पहाड़ों के बीच बना संकरा रास्ता, पतला जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। तो अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं, एग्जाम में कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अरावली के प्रमुख दर्रे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जिलवा की नाल दर्रा। जिलवा की नाल या इसको पगलिया की नाल के नाम से भी जाना जाता है, दर्रे को ही नाल कहा जाता है। तो यह राजसमंद में यह स्थित है और मारवाड़ व मेवाड़ को ये दर्रा आपस में जोड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा तो जिलवा की नाल दर्रा। उसके बाद हम पढ़ते हैं बर्र दर्रा। बर्र दर्रा पाली में स्थित है और इस दर्रे में से NH नेशनल हाईवे नंबर 14 इस बर्र दर्रे से गुजरता है। अगला दर्रा हम पढ़ रहे हैं देसूरी की नाल। देसूरी की नाल पाली में स्थित है। अगला हम पढ़ते हैं सोमेश्वर की नाल या केलवा की नाल और केवड़ा की नाल। सोमेश्वर की नाल, केलवा की नाल व केवड़ा की नाल ये उदयपुर में स्थित है। देवारी की नाल ये भी उदयपुर में स्थित है। तो एग्जाम में इनका नाम देख के क्वेश्चन बन सकता है कि सोमेश्वर की नाल कहाँ पर स्थित है, देवारी की नाल कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी नाल उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हम पढ़ते हैं गोरम घाट या खामली घाट दर्रा। गोरम घाट व खामली घाट दर्रा राजसमंद जिले में जोधपुर उदयपुर रेल मार्ग पर यह दर्रा स्थित है और यह दर्रा जो है मारवाड़ जंक्शन पाली को अमेर राजसमंद से यह दर्रा जोड़ता है। कचबाली की नाल, पीपली की नाल, उदाबरी की नाल, परवेरिया की नाल, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट व देबारी की नाल ये सब दर्रे अजमेर जिले में स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं रामगढ़ दर्रा, चेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा और खटखट दर्रा ये दर्रे पाली जिले में स्थित है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने अरावली के प्रमुख दर्रे देखे। इनका नाम देखकर जिला पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की ही नहीं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। फिट में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो 5650 फिट ऊंची गुरु शिखर चोटी है। इसे संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को हिंदू आल्पस कहा जाता है। हिंदू आल्पस की संज्ञा भी गुरु शिखर को दी जाती है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, कई एग्जामों में पूछा गया है और इसकी चोटी पर
दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है, 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की अगर ऊंचाई भी इसमें शामिल करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो गुरु शिखर है। अब हम राजस्थान की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी गुरु शिखर के बाद राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर है, ये भी सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तीसरी ऊंची चोटी दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा भी सिरोही में स्थित है और 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथी ऊंची चोटी जरगा है, जरगा उदयपुर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है जरगा कहाँ स्थित है, तो जरगा उदयपुर में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, 1380 मीटर है अचलगढ़। और आबू भी सिरोही में स्थित है, 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस तरह ये चोटियों का क्रम है, क्रम से इसको आपको याद रखना है। गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़ और फिर आबू। फिर हम देखते हैं कि अगर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। मध्य अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो मारा यजी या टोडगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। मारा यजी या टोडगढ़ जो अजमेर में स्थित है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 933.72 मीटर है। तीसरी जो हम पढ़ रहे हैं वो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ सिक्कर में स्थित है और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। अरावली के प्रमुख पठार जो है वो हम देखते हैं, उड़िया पठार। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। सिरोही में यह स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। दूसरा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है और आबू के पठार की ऊंचाई की हम बात करें तो 1200 मीटर ऊंचा है आबू का पठार, दूसरा ऊंचा पठार राजस्थान का। तीसरा पढ़ते हैं बोराट का पठार। बोराट का पठार गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार स्थित है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। अब हम पढ़ रहे हैं उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार भैसरोड़गढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक उपरमाल का पठार फैला हुआ है। भैसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र जो आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है इसको उपरमाल का पठार नाम से जाना जाता है। मगरा क्षेत्र किसको कहते हैं, मगरा क्षेत्र आपको याद रखना है कि ये जिले मगरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको कोड से आप देखो तो ABC पार, ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़, पा से पाली और रह से राजसमंद। मगरा क्षेत्र के जिले कई बार पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये जिले मगरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अरावली के पठार में हम आगे पढ़ रहे हैं मंदेसरा का पठार। मंदेसरा का पठार या मानदेसरा का पठार ये भैसरोड़गढ़ चित्तौड़ में स्थित है। लासड़िया का पठार ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर का कटा फटा ये पठार लासड़िया का पठार कहलाता है। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है वह मेसा का पठार है। क्रास का या कांकनबाड़ी का पठार सरिस्का अलवर में स्थित है। हमने मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हम पढ़ रहे हैं जिसको डिटेल से पढ़ा। हम अब अरावली की विशेषताएं देखते हैं कि अरावली की क्या क्या विशेषता है। इस क्षेत्र में
अरावली प्रदेश जो है वो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। सर्वाधिक राजस्थान के चार भौतिक भागों की बात करें तो सर्वाधिक सघन वनस्पति अरावली मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक अभ्यारण अरावली प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक झीले अरावली में प्रदेश में है। सर्वाधिक खनिज संपदा अरावली मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में पाई जाती है। यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। अरावली मध्य में पड़ता है, पश्चिम में पश्चिम रेतीला मैदान है, पूर्व में पूर्वी मैदान है, मध्य में मध्यवर्ती अरावली स्थित है। तो ये रेगिस्तान के प्रसार को रोकता है, बीच में अरावली है, इस कारण जो है वो रेगिस्तान पूर्व की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो अरावली उत्तर पश्चिमी के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अरावली की पहाड़ियां व पर्वत पड़ते हैं तो चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग इस पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसको स्वर्णगिरी सोनारगढ़ गोरहरागढ़ के नाम से जाना जाता है, वह इस पहाड़ी पर त्रिकुट पहाड़ी पर ये जैसलमेर दुर्ग स्थित है। जैसलमेर दुर्ग के ये नाम है स्वर्णगिरी सोनारगढ़ गोरहरागढ़ और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो सॉरी आपको याद रखना है, चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर जिस पर गोरहरागढ़ स्वर्णगिरी और सोनारगढ़ जैसानगढ़ नाम से जिसको जाना जाता है वो त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है जिसको हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। राजस्थान के 7 दुर्गों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है जिसमें से एक दुर्ग जैसलमेर का दुर्ग है। नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ी ये सिवाना बाड़मेर में स्थित है और 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 की पहाड़ी सिवाना बाड़मेर में स्थित है। सुंडा पहाड़ियां भीनमाल जालोर में स्थित है। कनकाचल या स्वर्णगिरी पहाड़ी जिस पर जालोर का किला बना हुआ है ये जालोर जिले में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण भी यहाँ इन पहाड़ियों पर बना हुआ है स्थित है। भाकर पहाड़ियां, भाकर सिरोही जिले में कटकनुमा पहाड़ियां हैं जिन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर की जो तश्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ियों की मेखला, पहाड़ियों की मेखला को गिरवा कहा जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। बिजासन की पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बिजासन की पहाड़ी स्थित है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस लेसन में अरावली के प्रमुख पठार, अरावली की पहाड़ियां, पर्वत इत्यादि हमने डिटेल से पढ़े। आगे के लेसन में हम राजस्थान के अन्य दो भौतिक भाग पूर्वी मैदान दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इत्यादि को डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करें। अगर आपको मेरा यह कोर्स पसंद आ रहा है तो रेटिंग देकर मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू।